गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। हेलो गाइस। सो गाइस आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़। हमको एक तो पग लेनी थी और फिर थोड़ी आउटिंग करने जा रहे थे। यस वीकेंड है। आपको कल का व्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करना यार, और जिसने नहीं देखा जाके जरूर देखना। आज हम जाएंगे चंडीगढ़ और चंडीगढ़ को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, जरूर देखना आप। ठीक है, स्टे ट्यून बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। मैं जाना चंडीगढ़ था लेकिन यार ये गाड़ी बहुत खड़ी है। गाड़ी कैसे निकाल, ये देखिए ये गाड़ी है पीछे, हमारी गाड़ी खड़ी है वो पीछे देखिए, और ये आगे ये गाड़ी खड़ी है। ये गाड़ी पहले इनको पीछे करेंगे फिर हम कहीं जा पाएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ जाना। सो फाइनली गाइस हम गाड़ी में बैठ चुके हैं इतनी अड़चनों के बाद। पहले किसी की निकाल रहे हैं फिर लगा रहे हैं, और अब हम जाएंगे चंडीगढ़। कालू अभी चाबी देने गया दूसरी गाड़ी को, देखो कार आ गया लगता है। ये आ गया है कालू, हाय बोलिए। ये कालू आ गया है। सो गाइस फाइनली हम चंडीगढ़ एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है, बड़ा ठंडा सा मौसम यार। यहाँ पे वाइब है यार, बहुत बढ़िया वाइब है यार। चंडीगढ़ की बहुत अच्छी वाइब है, पॉजिटिविटी है यहाँ पे यार, मजा आ जाता है यहाँ पे आके। अपना यहाँ पे जरकपुर तो इतनी नेगेटिव वाइब्स आती है, हाँ, लेकिन चंडीगढ़ आके वाइब चेंज हो जाती है, एकदम फ्रेश हो जाता है भाई। कालू जी आप अपने क्या कहना चाहोगे जरकपुर के बारे में? बस पहाड़ है, गंदा वहाँ पे बस, और कुछ नहीं। ये देखिए अपने शहर को क्या बोल रहा है, अपने ये वो क्या बोल रहा है यार, वहाँ पैदा हुआ है यार ये तू। चल कोई बात छोड़ यार, इसका घर भी वहीं पे है, तो ये देख लो कितना गंदा बोल रहा है उसके बारे में। हाँ जैसे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट भी जा सकते हैं, वूफ जा सकते हैं, काफी जगह जा सकते हैं। पारस डाउनटाउन है, हाँ कॉस्मो है, पारस प्लाजा है, डिकैथलॉन है, स्टारबक्स है, बर्गर किंग है, सब कुछ तो है यार यहाँ पे। क्या है चंडीगढ़ में यार, चलो वापस चलो यार, यूटर्न मारो। ये देखिए यार मैं नहीं दूंगा यहाँ पे, ज्यादा प्रभावित हो गया, यूटर्न मार रहे हैं। मैं जयपुर में यार मैं जा रहा हूँ, गाइस मैं यूटर्न मार रहा हूँ। थोड़ी हमारे साथ पंजाबी सीखी है आपको, हमने तभी तो बुलाओ चैनल को लैब के लिए। सो गाइस कल का व्लॉग देखा आपने, बढ़िया था कि नहीं? अगर आपने नहीं देखा तो कल का व्लॉग भी देख लीजिएगा, सिर्फ 5 मिनट का व्लॉग है, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, लेकिन बढ़िया व्लॉग है। ठीक है गाइस, ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे, और हम आगे चंडीगढ़। सो गाइस हम 30 सेक्टर पहुँच गए हैं, 30 सेक्टर। ये बहुत फेमस साई मंदिर है, यहाँ पे काफी जनता आती है यहाँ पे। ये साई मंदिर है चंडीगढ़ सेक्टर 30 यहाँ पे। हाँ गाइस हम भी आते थे पहले यहाँ पे। ये बाबा बालकनाथ का है ये वाला मंदिर। अब हम जाएंगे कौन से सेक्टर में, पग वाला? जाएंगे वहाँ पे ना, पगो वाले हैं आदर्श, हम सारी पग उनसे ही लेते हैं, ये भी उनकी है, ये भी उनसे ही ली है। इनकी जो वो है ना सेटिंग बहुत अच्छी बैठती है और अच्छे से बांधी जाती है, और इसकी सेटिंग तो पूछो ही मत, इसकी सेटिंग तो आप देख ही सकते, जुड़ेगी पूरा लैंप बना रखा है, जुड़ेगा इसने कस रखा, जैसे वो नहीं कसते क्या कहते हैं उसको, प्राणी को बांध के ऐसे कस देते हैं ना, वैसे जुड़ा निकाल दिया ऊपर के लैंप से ने वो नीचे से इतना कस दिया इसने कि वो ऐसे ऊपर उभर के आ जाता है वो। सो भाई ये देखिए लाइट हो गई है ऐसे, गाइस अगर आप चंडीगढ़ में ऐसा जंप मराएंगे ना ये, कि आप झेल नहीं पाओगे जंप चंडीगढ़ पुलिस का, फिर आप कभी हिम्मत नहीं करोगे कि आप लाइट टापो, आप लाइट टापो ऐसा टपा देंगे, ऐसा टपा देंगे। ये टर्बन सेंटर वाले आ गए हैं यहाँ पे, हम पहुंच कहाँ गए वो रहे, देखिए येलो सपोर्ट दिख रहा है आपको, ये देखो ये येलो वाला ये है टर्बन। देखिए ये देखिए कालू कैसा लग रहा है, गोल्ड कर लो अजय कोई पैसा आ गया, ये आदर्श मोबाइल हाउस। पग्गे ले लिए, ये देखिए कालू तू भी देख पकड़ के दिखा दे, ये गाइस देखिए ये है काले रंग की पग, ठीक है कालू ने लिए है काले रंग के पटके, सब कुछ काले ही काला लिया, और मैंने नीचे बेस भी लिया बांधने के लिए कि जिससे फुटी दिखे, ठीक है गाड़ी में।
तो हमने फाइनली बक्स ले लिया है। सो गाइस, तो हमें थोड़ी भूख लगी है यार खाना खाने, तो हम जाएंगे बाई सेक्टर राजमा चावल खाने। खाओगे? खाई लेंगे फिर। कालू जी आप खाओगे? कालू जी थोड़ी से खाते हैं लेकिन थोड़ा खा के ये फेंक देते हैं। तो हम जाएंगे वहाँ पे, हमारे एक बहुत पुराने राजमा चावल वाले हैं, बहुत टेस्टी बनाते हैं और मीठी लस्सी भी होती है, तो आपको दिखाते हैं वहाँ जाके। तो आप हमारे साथ बने रहें, स्टे ट्यून्ड रहें। ये देखिए सारे दसे गुरु के नाम हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये देखिए, अगर आपको नाम नहीं पता तो आप देख सकते हैं एकदम लाइन वाइज हैं ये लिखे हुए। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, बेल्ट लगा लें नहीं तो फिर चलान आ जाएगा, वो पता ही है। यहाँ पे एक एक चीज का चलान है भाई साहब। ये देखिए इन सेक्टर में वाइब, ये पुराने सेक्टर हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जी लगता है। ये देखिए यहाँ पे गोपाल स्वीट भी खुली हुई है। अच्छा गोपाल नहीं है तो कोई और, ये चौड़ी है, चौड़ी स्वीट्स है ये। और ये विजय फ्लावर मिल्स, यहाँ पे सारा आटा वाटा मिलता है। यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, पुराने सेक्टर है, सबसे पहले यही बने थे गाइस। यहाँ पे आया था मैं जन्माष्टमी पे, यही मंदिर में, ऐसे कृष्ण मंदिर है पीछे, यहाँ पे जन्माष्टमी पे आया था मैं। भीड़ लगी पड़ी थी यहाँ सारी, वो लगी हुई थी दुकानें, थोड़ी छोटी छोटी स्टॉल्स, पूरी वाई वाली थी। हाँ, पूरी यहाँ पे मेला लगा पड़ा था, हमने यहाँ पे पकौड़े खाए थे। बाकी बहुत लंबी गाड़ी है, बाकी बता नहीं सकता पहले आप इस पे 1000 लाइक कर दो फिर मैं बता दूंगा। ये देखिए ये है बाबा जूस कॉर्नर, ये एकदम कोने पे, बी पराग जी ने भी इनका जिक्र किया है। यहाँ पे सारे शेक्स वगैरह, जूस वगैरह बहुत बढ़िया मिलते हैं यहाँ पे। ये है, ये बहुत पुराना है, ये हमारे चाचा जी भी यहाँ पीते रहे हैं शेक्स वगैरह। बहुत पिया है गाइस, बहुत पिया है। इनके पास एक जुपिटर होती थी, उनपे इन्होंने पूरा चंडीगढ़ कोनों कोने तक छान दिया है। उस जुपिटर को मैंने घिसा दिया था, इतनी घिसा दी थी व्हाइट कलर की, उसको बुरा हाल कर दिया था गाइस, उसको जंग लग गई थी गाइस, व्हाइट आई थी वो पीली हो गई थी। इसके थोड़ी आगे जाके अगले ब्लॉक में है वो मोबाइल मार्केट 22 की, और वहीं पे है अपना वो कढ़ी चावल वाला, तो फिर हम वहीं जा रहे हैं कढ़ी चावल वाले के पास। आ गए हैं फाइनली 22 की सेक्टर की मार्केट में, और हम खाएंगे राजमा चावल, कढ़ी चावल, न्यूट्री चावल। गाइस यहाँ पे आके वाइब आ गई यार, पुरानी वाली वाइब आ गई यार, मजा आता है यार यहाँ पे आके। पीछे मेरे सारे आप देख लो, सारे मोबाइल के शोरूम है यहाँ पे, कोई भी मोबाइल लो आपको लेने आओगे तो आपको ये मोबाइल दे के ही भेजेंगे, इतना प्रभावित कर देंगे आपको, ये बहुत जबरदस्त मार्केट है। गाइस हम खा रहे हैं कढ़ी और राजमा चावल भी दिए, मिर्च हरी वाली मिर्च, ये थे बहुत बढ़िया बनाते हैं भाई साहब, एक नंबर, सारे फेल हैं इनके आगे, बहुत रेडी लग चुके हैं लेकिन इनकी सबसे फेमस है भाई बागी है यार, भाई बागी मजा आ गया यार, मजा आ गया भाई साहब। भाई राजमा चावल खा के हम निकल चुके हैं, पूरे यहाँ तक पेट भर चुका है, पूरा फुल हो चुका है, लस्सी लुस्सी पी के मीठी आज पूरा पेट भर गया है। और कालू ने खा लिया छोटा समोसा, कालू जी आपने व्यू दीजिए, बहुत टेस्टी था, परफेक्ट मीठा था, परफेक्ट स्पाइसी था। सारे समोसे के बारे में पूछ रहे हैं वो। हाँ समोसे, छोला समोसा मीठा। हाँ सॉस मीठी डाली थी उसमें। अच्छा मीठा है तू, ठीक है मीठा है। और ये लस्सी पी रहा, देखो लस्सी बहुत गाढ़ी है, जबरदस्त वाला मजा आ गया। मधु लस्सी छोड़ ही रहा है, 3 गिलास पहले पी के आया, अब ये 1 गिलास पी रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं, 3 गिलास पी गया। अच्छा तू पी के नहीं आया? नहीं, अभी घर जाके देखना कैसे गधे की तरह सोएगा, गधे की तरह लेटता है और गधे की तरह सोता है गाइस। ये देखिए क्या है बताओ, ये रोज गार्डन की एंट्री, ये देखिए जाकिर रोज गार्डन, ये है रोज गार्डन चंडीगढ़ में। अभी यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं है, भीड़ पूरी
गाइस एक आपको एक फुल ब्लॉग हम उसका दिखाएंगे, एक पूरा ब्लॉग आपको रोज गार्डन का ही दिखाएंगे आपको, फिर आप देखना क्या जबरदस्त चीज है यार, सारा एक्सप्लोर करके दिखाएंगे, सारा एक्सप्लोर करेंगे। इमोशन है यार, इमोशन है यार, अरे भाई यार मजा आ गया यार, भाई यार मजा आ गया यार, मजा आ गया यार। तो गाइस आज का व्लॉग सिर्फ इतना ही, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर सब कुछ कर दो जो भी होता है, दबाके कर दो, दबाके का दबा दो बस, कैसा लगा आपको आपको आज का व्लॉग तो जरूर कमेंट करके बताना, और नए नए व्लॉग देखने के लिए चाचा भीजा व्लॉग को सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी कर लो जल्दी, मैं थोड़ा आगे देख के गाड़ी चला लूं क्योंकि यहां पे चलान होगा तो फरला निकल जाएगा, बहुत बड़ा फरला, फरला भी भर लेंगे, बस सब्सक्राइब करो, मजा आ गया यार, मजा आ गया यार, मजा आ गया।